आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। आप हमारे सामने देख रहे हैं आइशर प्रो 2119, जो कि बहुत ही अवेटेड वीडियो थी। बहुत लोगों ने डिमांड करी थी कि भाई हमें इस गाड़ी के बारे में बताइए। ये लेटेस्ट मॉडल कंपनी ने निकाला है। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था वो था आइशर प्रो 2118 का, जो कि काफ़ी लोगों ने उसको जो है देखा, काफ़ी लोगों के मन में सवाल थे और अब सवाल और भी ज़्यादा उठ रहे हैं कि भाई आइशर प्रो 2119 अब कंपनी ने जो निकाला है, आखिर ये जो मॉडल है और जो जो पीछे वाला जो मॉडल था आइशर प्रो 2118, इन दोनों में क्या अंतर है, क्यों कंपनी ने इसको निकाला और जो पहले निकाला था उसको क्यों निकाला। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इस गाड़ी में आखिर कंपनी क्या क्या चीज़ें दे रही है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं सामने से। अगर लुक वाइज अगर आप देखें तो आइशर प्रो 2118 का जो लुक है और ये जो सामने हमारे पास है आइशर प्रो 2119, इसका लुक दोनों का बिल्कुल सेम लुक है। ठीक है, कहीं से कहीं तक भी इसमें कोई आपको अंतर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, सारी चीज़ सेम है एक्सेप्ट ये जो है ब्रांडिंग। ठीक है, आइशर प्रो 2119 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है और जो 2118 है उसमें यहाँ पे प्रो 2118 लिखा हुआ मिलेगा। इस चीज़ को छोड़ के बाकी फ्रंट में सारी चीज़ें सेम है, बिल्कुल सेम, कोई कहीं से कहीं तक कोई अंतर इसमें नहीं है। अगर मैं देखो साइड में, मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ साइड की अगर मैं बात करूँ, इसमें भी आपको 920 के टायर मिल जाते हैं। ठीक है, बैटरी की अगर मैं बात करूं तो बैटरी हमारे पास है इसमें 12 वोल्ट की, 27 लीटर का आपका इसमें यूरिया आ जाता है यानी एड ब्लू, और 190 लीटर का जो है डीजल का टैंक आ जाता है। सेम साइज़ सेम सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक साइड की बैटरी इसमें भी, एक साइड की बैटरी आपको आइशर प्रो 2118 में भी मिलता है। पीछे का टायर साइज़ भी सेम है, 920 के हैं और ओवरऑल गाड़ी सेम, बिल्कुल सेम है, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है। वो गाड़ी भी डे कैबिन में है, ये गाड़ी भी डे कैबिन में है। ठीक है, अंदर से भी मैं आपको इसमें लुक दिखा देता हूँ एक बार। अंदर से इसका लुक सेम है, इसमें भी आपको म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है, यहाँ दरवाजे में आपके पास स्पीकर मिल जाते हैं। अंदर से मैं एक बार चढ़ के दिखा देता हूँ आपको, गो थ्रू बिल्कुल कैबिन है। ड्राइवर अगर यहाँ से भी चढ़ता है तो वो अपनी सीट पर यहाँ तक ईजिली पहुँच सकता है, तीन लोग यहाँ पर सीट पर बैठ सकते हैं। हेड रेस्ट के साथ आपको ये मिल जाता है और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए इसमें भी आपको दिया हुआ है, स्लाइड करके खोल सकते हैं। म्यूज़िक सिस्टम की जो मैं बात कर रहा था, म्यूज़िक सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसमें भी आपको इको और इको प्लस का जो है मोड इसमें भी आपको दिया हुआ है। तो और ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो इसमें भी आपको लॉकेबल वाला ग्लव बॉक्स मिला हुआ है, सारी चीज़ इसमें दी हुई है। तो अंदर से अगर देखें तो कहीं से कहीं तक भी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ियों में। ये भी जो गाड़ी है ये 7 गियर में है, 7 यानी आगे लगेंगे, 1 रिवर्स के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बाकी हैंड ब्रेक यहाँ हो गए और यहाँ पीछे आप कुछ सामान वगैरह इसमें रख सकते हैं। तो सिमिलर है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है दोनों गाड़ियों में, कैबिन में भी। इंजन में एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ, इंजन के लिए खोलने के लिए देखो यहाँ से आपको दिया हुआ है और यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। मोहसिन एक बार खोल के दिखाओ, इंजन अपने पास ये है। ठीक है, ये दिया हुआ इंजन। तो मोहसिन बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मोहसिन भाई एक बात बताओ कि इंजन में क्या कुछ है। ये इंजन में तो बहुत कुछ दिया गया है इसका जी। पहले जी हमारे 1114 गाड़ी आती थी तो वो BS4 गाड़ी थी, तो उसके अंदर हमारा दिया था इजी आर सिस्टम। आज हमारी BS गाड़ी है, BS6 गाड़ी, ये दिए गए इसमें SCR सिस्टम जो पोल्यूशन कम करने के लिए दिया गया है, जिसमें हमारा बहुत सारी चीज़ चेंज करी है। इसमें हमारी टोटल बॉडी दी है। अच्छा, ये टोटल बॉडी हमारी है, रेस के लिए दी जाती है। अच्छा जी, तो ये चेंज हो गया है जी, चेंज ये कर दिया हमारी है। 4 सिलेंडर इंजन है ये, 4 सिलेंडर हमारा इंजन है, E494 इंजन इसमें दिया गया है। ठीक है, इससे बहुत अच्छा एवरेज दे रहा है गाड़ी, ये इसका एवरेज है 6.5 का, इसका एवरेज है 6.5 के करीब, इसका अप्रोक्स इंजन वो जो है एवरेज रहता है। बाकी आपके पास यहाँ प्रोटेक्शन हीट के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ये हीट वगैरह आपको कहीं से कहीं तक इसमें महसूस नहीं होगी। ठीक है, अंदर में कैबिन में बाकी यहाँ पे अपने पास जो है स्टेयरिंग ऑयल हो जाता है, ये आपके पास यहाँ कूलेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और कई लोग पूछते हैं कि यार चेसिस नंबर कहाँ पे है गाड़ी का, तो चेसिस नंबर ये रहा सामने आपके पास, यहाँ पे चेसिस नंबर आप देख सकते हैं गाड़ी का, ये है तो चेसिस नंबर आपके पास यहाँ पे देख जाता है। ठीक है, ये हमारे EGR कूलर दिया गया है, ये चीज़। अच्छा, ये हमारे EGR कूलर है जो पहले से और अच्छा कर दिया गया है। इसके अंदर मोबिल और पानी दोनों, धुआं मोबिल और धुआं इसके अंदर चलता है। अच्छा जी, मोबिल ऑयल दिया गया है, मोबिल ऑयल और धुआं दोनों एक साथ चलता है, दोनों एक साथ चलता है इसके अंदर। अच्छा, तो उससे फिर क्या होगा,
उससे होता है जैसे कि हमारे अंदर भाप ठंडी जाने के लिए होता है, इस चीज के लिए हमारा सोल्यूशन दिया गया है जिसमें जीआर वाल्व कंप्लीट दिया है। अच्छा, जैसे कि हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के हिसाब से धुआं छोड़ती है। अच्छा, धुआं जितना भी आता है वाल्व वहीं के वहीं फूंक के तो पानी कन्वर्ट में ऐसा बदल देता है, तो ये चीज दिया गया है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे गाड़ी में ज़्यादा रेस देने से क्या होता है, धुआं ज़्यादा कई बार पहले जब छोड़ा करती थी गाड़ी, अब उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये वाला सिस्टम यहाँ पे भी एक दिया हुआ है। सिस्टम दे दिया है तो खिंचाई बढ़ती है, बहुत काम होता है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा कर दिया जी। तो इस तरफ से भी आपको मैंने इंजन दिखा दिया पूरा, ये अभी इंजन है ना दूसरी तरफ से देखने में इंजन का। हमारा फ़ैन है इसमें, बाकी ये यहाँ पे फ़ैन वगैरह हो जाता है ये भी। तो काफ़ी अच्छा है, चेसिस भी काफ़ी मजबूत है गाड़ी का, ठीक है, और ये टूटता नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं टूटता नहीं है चेसिस, ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया गाड़ी का काफ़ी सही है ग्राउंड क्लियरेंस। अब इसको नीचे कर देते हैं, नीचे करना काफ़ी सिंपल है, सिंपली आप वहाँ से उस लॉक को करेंगे। कैबिन हमने नीचे किया, यहाँ लॉक किया, सिंपल लॉक हो जाता है बड़े प्यार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, साइड से मतलब सब कुछ सेम है। इधर से भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैं एक बार आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। देखिए गाड़ी का पूरा लुक, डी कैबिन में गाड़ी है जैसे मैंने आपको बताया, तो सिमिलर है। यानी कि अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना 21-18 की और 21-19 की, तो दोनों गाड़ियाँ हमारी सेम है। तो प्राइस की भी अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो गाड़ी है इसकी भी जो कीमत है वो आपको करीब करीब जो है 26 लाख जो है, एक शोरूम जो है मैं बता रहा हूँ वो मेरठ का है, वो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ 26 लाख के करीब है इसका प्राइस। बाकी आप जिस शहर में रहते हैं डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में रहते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस, ठीक है, तो वो आप डीलरशिप पे जाके आप पता कर लीजिएगा। अब सवाल ये आता है कि यार आखिर कंपनी ने 21-19 को क्यों लॉन्च किया, क्या कारण है इसको लॉन्च करने का, जब 21-18 ऑलरेडी लॉन्च किया उसके बाद ये कंपनी ने क्यों लॉन्च किया। तो भाई मेरे को जो लगता है वो ये है कि जो लोग 30-19 आइशर प्रो 30-19 ले रहे थे, क्योंकि वो स्लीपर कैबिन में आ रहा था, तो कई लोगों को स्लीपर कैबिन में आने की वजह से उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ रहा था, ठीक है, तो प्राइस को, बट उनकी रिक्वायरमेंट वैसी नहीं थी कि हाँ भाई उनको स्लीपर कैबिन चाहिए, उनको रिक्वायरमेंट थी कि भाई उनको ऐसी गाड़ी चाहिए जो करीब करीब वैसा ही हो, उनका काम बन जाए। 12 टन की पासी में ये भी है, 18 टन इसका GVW है, तो 12 टन की पासिंग में कोई डे कैबिन वाली गाड़ी हो, और करीब करीब वैसा ही है। इसकी अगर मैं हॉर्स पावर की बात करूं तो 160 हॉर्स पावर का इसकी जो इंजन की कैपेसिटी है, बाकी 3760 cc का इसका इंजन आपको मिल जाएगा, बाकी 120 किलोवाट का इसका पावर है इंजन का, अगर हम किलोवाट की बात करें तो ओवरऑल गाड़ी जो है काफ़ी सही है। चार पार्ट में कुछ बनाया गया है, क्या चीज़? ये हमारा साइलेंसर है, ये चार पार्ट में दिया गया है। अच्छा, इसका जो साइलेंसर है उसकी बात करें, चार पार्ट में हमारा दिया गया है, इसका नाम ये DOC है, ये DPF है, ये SC है, ये SCR। अच्छा, इनका काम क्या है? इनका काम ये है, जितने हमारा पोल्यूशन होता है उस चीज के सारे को पानी के अनुसार में बाहर निकाल देना। पहले हमारा DOC आता है, ये DOC में तब तक जितने धुआं होता है इसका, फिर हमारा DPF के अंदर आता है, ठीक है, यानी पहले यहाँ आता है, इसके बाद फिर इस वाले चैम्बर में आता है, DPF अंदर, फिर SCR में आता है जो हमारा यूरिया का डोजिंग पंप करता है, वो से पानी कन्वर्ट में कर देता है, फिर हमारे SCR में होता है पानी उससे बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा पोल्यूशन कुछ बाहर नहीं जाता। अच्छा, इस चीज में खासियत दी गई है गाड़ी का, हमारा पहले से ज्यादा ओवर पोल्यूशन कम कर दिया गया है, कम कर दिया है, इस गाड़ी में खासियत है, बहुत बढ़िया गाड़ी बनाई गई है। तो यानी कि आपने देख लिया कि ये चार पार्ट में, ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यार गाड़ी का मैंने प्राइस भी आपको बता दिया, सारी चीज़ बता दी। मैं आपको बता रहा था कि जो लोग डे कैबिन में लेना चाहते हैं गाड़ी को, तो उनके लिए कंपनी ने ये गाड़ी जो है निकाली है डे कैबिन के पर्पस से, ठीक है। बाकी आप अगर 30-18 मॉडल ले रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 21 आइशर प्रो 21-18 आपको दे दिया है, और जो लोग वहाँ पर भाई 30-19 को ले रहे थे, ठीक है, स्लीपर कैबिन में, लेकिन अगर वो नहीं लेना चाह रहे हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि भाई मेरे को डे कैबिन में चाहिए, तो आपके लिए कंपनी ने ये भी निकाल दिया है, ठीक है, आइशर प्रो 21-19 मॉडल, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो है कंपनी अपने कस्टमर का ध्यान रखते हुए ये नए नए मॉडल निकाल रही है। तो बाकी अच्छा एक चीज़ और आ जाता है, एक सवाल और आता है कि भाई ये आखिर इस फिर कंपनी ने जो है दो गाड़ियाँ क्यों लॉन्च करी, ठीक है भाई, 21-18, 21-19 ये दो गाड़ियाँ कंपनी ने क्यों लॉन्च करी, एक ही गाड़ी लॉन्च कर देती कंपनी, तो दो लॉन्च करने की फिर ज़रूरत क्या पड़ी।
तो देखिए हर कंपनी चाहती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बिके, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट बिके इसके लिए अगर कस्टमर के पास ऑप्शंस अगर दिए जाएं तो जाहिर सी बात है वो दो ऑप्शन है या तीन ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है वो किसी एक ऑप्शन को लेगा। तो ऑप्शन में से चुनना हर किसी को पसंद है, इसलिए कंपनी ने ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास कि आप आयशर प्रो 2119 को ले सकते हैं, आप आयशर प्रो 2118 को भी ले सकते हैं। दोनों गाड़ियाँ सेम है, प्राइस भी लगभग सेम है और स्पेसिफिकेशंस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई है ये 22 फुट में गाड़ी है, तो सारी चीज़ें सेम है, आपके पास ऑप्शन दोनों दिए हुए हैं कंपनी ने। अगर मैं इसी में बात करूँ, अगर 12 टन में अगर हम लोग गाड़ी की अगर देखें, इसका मैं पीछे का लुक भी आपको दिखा देता हूँ। 12 टन में अगर हम देखें अशोक लेलैंड में और टाटा में, तो भाई 12 टन में और 18 टन GVW में, ठीक है, ऐसी कोई गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, यानी कि 18 टन GVW हो गाड़ी का और 12 टन उसकी जो पासिंग हो, ऐसे में कोई भी गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल अभी उनमें नहीं है। केवल आयशर ही जो है ये काम अभी कर रही है। पीछे यहाँ पे लुक सेम है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। पीछे का लुक भी आपको मैंने बता ही रहा हूँ, यहाँ आपके पास जो है ब्रेक लाइट वगैरह हो गए, ठीक है, और रिफ्लेक्टर हो गया, ये आपके पीछे बैक लाइट हो गई, इसमें भी आपको 5 सेंसर्स मिल जाते हैं, स्टॉप बार हो गया, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं सेम है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, आप अपने जो भी सवाल हैं वो सवालों को आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में सवाल आप पूछिए, मैं पूरा उसकी कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब देने की। और तो ठीक है मोहसिन भाई, आप हमारे चैनल पर आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ड्राइव सेफ, बाय।